चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दूसरी बिरादरी के जो गुज्जर जाति के लोग हैं वो मतलब ज़्यादा खिलाफ हैं इस बात से कि मतलब ये एससी में सीट आ गई है। अगर हमारे भाई को जेल होगी, मतलब निर्दोष निर्दोष फंसा गया तो हम सब फांसी लगा लिया पूरा परिवार। ये जो सारा षड्यंत्र किया गया ये हिंदू वर्सेज मुस्लिम की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश जिला मेरठ हस्तिनापुर के पलड़ा गांव में दिनांक 9 अप्रैल 2023 को एक युवक की हत्या के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। पलड़ा गांव में युवक की अंतिम यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव के एक समुदाय के घरों और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। लाला तू भी वक्त कर ले अपना। जा रहे मेरे भाई, कब तक छुपा लोगे सर ये तो बता दो। कोई छुपाने की हमारे घर नहीं, छुपा कब तक लोगे ये तो बताओ। छुपा कब तक लोगे आप ये बताओ। प्रशासन ने गांव के दलित प्रधान और 5 मुसलमानों पर हत्या के आरोपी मानते हुए एफआईआर दर्ज की है। 12 अप्रैल 2023 को पुलिस की इस कार्रवाई को एक तरफा मानते हुए मेरठ के कई और दलित प्रधान एसपी के पास निष्पक्ष जांच की मांग करने पहुंचे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जगत है जी। जगत जी, कहाँ? पलड़ा गाँव में आप? हाँ जी, गाँव में रहता हूँ। अच्छा, हुआ क्या है आपके गाँव में? जो शादी थी एक लड़के की, उनमें लड़का जो उन्होंने लड़कियों को छेड़छाड़ करी थी तो उनमें झगड़ा हो गया था। किसने छेड़छाड़ करी थी? गुजरों ने, मोमडन की। हाँ, तो उसमें झगड़ा हुआ था। हाँ। फिर वो झगड़ा फिर इन्होंने दारू पी के होली के दिन करा। किसने किया था? गुजरों ने। अच्छा, मोमडनों के साथ बदतमीजी करी। अच्छा, तो वहाँ पंचायत SSP वहाँ पहुँचे, वो जहाँ SSP उन्होंने वहाँ प्रधान जी के यहाँ पहुँचे तो यो कह यो सोचता उन्होंने प्रधान जी ने कराया ये बुजुर्ग। कल को आएगी आप भी वहीं से पलड़ा जी? से आप जी, मैं प्रधान जी के छोटे भाई की वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा, राहुल जी की जी। हाँ, तो हम घर पे ही थे तो प्रधान जी बाहर बैठे हुए थे, हम लगन सगाई से आए थे तो वो फ्रेश होके बाहर बैठ गए तो उनको हस्तनापुर थाने से फ़ोन आया था दरोगा साहब का कि प्रधान जी यहाँ आ जाओ, घर गांव के बाहर जो स्कूल है वहाँ पे आ जाइए। कि क्या हुआ? आपको थाने चलना है, हमारे साथ मीटिंग है। ये जो आप कह रहे हैं थाने में रखा हुआ है, ये इस तरीके से आपके हिसाब से क्या गाँव में भी उनके खिलाफ कोई रंजिश है क्या? इस तरीके से हो रहा है प्रधान जी? बस ये है कि दूसरी पार्टी वाले लोग जो हैं वो ख़िलाफ़ हो रहे हैं और मतलब उन्होंने पहले भी, अब से पहले भी, काफ़ी दिन पहले भी ये धमकी दी थी कि मतलब प्रधान जी को तो के साथ कुछ ऐसा झगड़ा करना है, इनको फंसाना है। तो उसके बाद ये झगड़ा हो गया। बस ये है कि मतलब कुछ जांच नहीं हो पा रही है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और भेदभाव कर रहे हैं और जो मतलब दूसरी बिरादरी के जो गुज्जर जाति के लोग हैं वो मतलब ज़्यादा खिलाफ हैं इस बात से कि मतलब ये SC में सीट आ गई है, ये प्रधान है और जो वो ये चाहते हैं कि मतलब ये प्रधानी हमें दे दे, हमारे पास प्रधानी आ जाए, ये प्रधान पद हमें वापस दे दे। तो इस चक्कर में वो झगड़ा करा रहे हैं। आपके गांव में कुछ तोड़फोड़ आगजनी भी हुई कुछ घरों में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या स्थिति है अभी? जी, हम तो घर पे थे तो जब वो उस लड़के की डेड बॉडी लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए तो उन्होंने वहाँ पे हमारे मतलब घर के सामने ही आके तोड़फोड़ की थी। तो उन्होंने धमकी भी दी थी कि प्रधान जी को तो हम गोली मार देंगे और वो कर देंगे। तो
उसके बाद मोमडनों में के घर जाकर तोड़ फोड़ कर दी, फसल जला दी, गन्ने की फसल जला दी और सबके घरों में आग लगा दी। सब मोमडनों को मतलब मुसलमानों को सबको गांव से भगा दिया। तो सब डरे हुए थे, सब सहमे हुए थे, तो सब चले गए गांव छोड़ के। तो हमें भी इस वजह से धमकी दी गई थी कि इनके बच्चों को भी हम हमला करेंगे, तो इस वजह से हमें भी गांव छोड़ के मतलब अपने हम भी अपने मायके में आए हुए हैं। आप दोनों बहुएं? जी जी, मायके में आए हुए हैं अपने बच्चों को लेके। FIR 5 नामजद लोगों पर है और कुछ अज्ञात। नामजद में एक तो प्रधान जी हैं इसी समाज से और 4 मुसलमान हैं। पीछे भी वो बता रहे थे बड़ा गांव में, बल्कि जो तोड़फोड़ और वो सब हुआ है वो मोमडन के घरों में हुआ है। तो SC समाज और मोमडन पर ही लगी है FIR, लेकिन किसी गुजर समाज पर किसी पर नहीं लगी। आपको क्या लग रहा है कि या कुछ इस तरह से जातीय या उस तरह से सांप्रदायिक रूप से कुछ पक्षपात हो रहा है क्या आपको लगता है? हाँ जी, अब ये देखिए, देखो मुख्यमंत्री हमारे इस टाइम भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि SC समाज ने कितना सपोर्ट किया और SC में समाज के सपोर्ट करने के बाद भी SC के लोगों पे इतना इतने भेदभाव और इतना प्रशासन पर सुशोषण और प्रशासन का बेरुखी होनी बहुत ज़्यादा है। हमारा एक ही चीज़ है, हमारे जो ग्राम प्रधान है किसी भी समाज के हैं, पर ग्राम प्रधान को इस तरीके से ना फंसाया जाए। और प्रशासन अभी तक जिस आदमी ने शख्स ने गोली मारी है उस तक नाम नहीं खोल पाया कि ये मेन एक्यूज्ड है, इसने गोली मारी है। तो जब तक वो चीज नहीं खुल जाती तब तक न्याय की व्यवस्था कैसे पूर्ण हो जाती है? तब तक आप एग्रीगेसी को करार कैसे दे देते हो? 302 के मुकदमे में आप कैसे फंसा देते हो किसी प्रधान को या किसी भी लोगों को? और ये जो सारा षड्यंत्र किया गया ये हिंदू वर्सेज मुस्लिम की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ग्राम प्रधान क्योंकि दलित है, दलितों के और मुस्लिमों के खिलाफ इस देश में जो माहौल, इस प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, ये उसका एक जीता जाग रहा छोटा सा एक नमूना आपके सामने है। प्रधान तो सारे आए हैं समाज से, क्या आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी अब इस संघर्ष में जुड़ेंगे? नहीं, हम तो देखिए जुड़ने के लिए आए हैं, हम सिर्फ न्याय करने की मांग करने आए हैं। और ग्राम प्रधान भी आगे क्या रणनीति होगी है ना, और क्या हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और गांवों को जोड़कर एक पंचायत की व्यवस्था हम मेरठ में कर सकते हैं, कमिश्नरी पर कर सकते हैं, और कैसे अपनी बात रख सकते हैं ये। सर, मैं प्रधान जी का भाई हूँ, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमारे पूरा परिवार को फांसी लगा लेंगे, गांव छोड़ देंगे, फांसी लगा लेंगे। अपने पोती पोते को झटका, अगर हमारे भाई को जेल होगी, हमारे निर्दोष फंसा गया तो हम सब फांसी लगा लेंगे, पूरा पूरा परिवार। Thank you.